नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिचा एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू परचम क्लासेस। आज का जो सेशन है दैट इज ऑन पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इस क्लास से पहले हमने किया था पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका, जहाँ आपके लिए क्वेश्चन भी मैंने ड्रॉप किया था। क्या क्वेश्चन था? स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। मैनी ऑफ यू आंसर इट करेक्टली एंड दैट इज सेशल आइलैंड्स। अगर हम लैंडमार्क से रिलेटेड सारी कंट्री ले लें और आइलैंड कंट्रीज भी जोड़ लें, तो दोनों कंट्रीज में, दोनों तरह की कंट्रीज में द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज सेशल आइलैंड्स, राइट। अब मूविंग ओवर टू नॉर्थ अमेरिका। सो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज हैं? टोटल 23 कंट्रीज। अगर हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स या कंट्रीज की बात करें, 23 कंट्रीज नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आती हैं। देर आर टू अमेरिकाज, सब जानते हैं, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। आज हम नॉर्दर्न पार्ट ले रहे हैं। अब अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट कंट्री की, राइट, आउट ऑफ द 23 कंट्रीज विच इज द लार्जेस्ट, सो द लार्जेस्ट इज कैनेडा। ठीक है, ये आपको पोर्शन दिख रहा होगा कैनेडा का, ये छोटे छोटे जितने भी ऊपर आइलैंड्स भी दिख रहे हैं। जब हमने आर्कटिक ओशन किया था, इफ यू वर देयर विद अस, आपने पढ़ा हो अगर वो वीडियो से, सो आर्कटिक ओशन के टाइम में हमने सारे आइलैंड्स की भी बात की थी। ये सब नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरी में आते हैं, कैनेडा का पार्ट है। ठीक है, ग्रीनलैंड, यहाँ पे आपको एक ये आइलैंड दिख रहा होगा, राइट, दिस इज ग्रीनलैंड। इसकी मैं क्लैरिटी आपको दे दूं कि अगर हम बात करें ज्योग्राफिकली ग्रीनलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, इट कम्स इनटू नॉर्थ अमेरिका। लेकिन इफ यू टॉक पॉलिटिकली और कल्चरली, तो ये डेनमार्क, यूरोप के डेनमार्क का पार्ट है। वैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, जस्ट टू मेक अ रिविजन, क्विक रिविजन ऑफ इट। सो ग्रीनलैंड इज अ डैनिश टेरिटरी, ऑटोनॉमस है, यानी इसका खुद का सेल्फ गवर्नमेंट है, लेकिन ये डैनिश टेरिटरी है, यानी डेनमार्क के अंडर में आता है, लेकिन ज्योग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका का पार्ट होगा। ठीक है, चलिए, सो कैनेडा इज द लार्जेस्ट कंट्री। उसके बाद कौन सा कंट्री है इतना पॉपुलर, जिसके नाम पे एक तरह से कॉन्टिनेंट का नाम पड़ गया? अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, सो यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, थोड़ा पार्ट इसका यहाँ भी एक्सटेंड होता है एज अलास्का, राइट। सो कैनेडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये दो कंट्रीज मिला करके पूरे नॉर्थ अमेरिका का ऑलमोस्ट 79% लैंड एरिया या लैंड एरिया बनाते हैं या कवर करते हैं। ठीक है, सो दीज आर टू मेजर कंट्रीज ऑफ द कॉन्टिनेंट, राइट। अब इसके बाद में देखो नीचे थर्ड नंबर पे मेक्सिको, कैनेडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेक्सिको। अभी इनके लिए कोई ट्रिक टेक्निक नहीं मिलेगी, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, राइट। सो दिस इज मेक्सिको, अंटिल कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है ये, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर दूसरे कंट्री स्टार्ट हो जाते हैं, जो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में एक्सपैंडेड जूम्ड इमेज देखेंगे। सो ये तीन कंट्रीज याद हो गए, सबसे बड़ा कैनेडा, उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स जो थोड़ा उस साइड में भी एक्सटेंड हो रहा है अलास्का, और नीचे मेक्सिको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये देखो, ये वाले जो आपको कंट्रीज दिख रहे हैं, दे कनेक्ट नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एक तरह से। ये एक थोड़ा सा आपको एक चैनल जैसा दिख रहा होगा, दिस इज नॉट अ चैनल, दिस आर प्रॉपर कंट्रीज। इसको कई बार सेंट्रल अमेरिका भी कहा जाता है, इस पूरे रीजन को, ओके, बट देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। सिमिलरली आप यहाँ पे कुछ ये छोटे छोटे आइलैंड्स देख रहे होंगे, ये जो थोड़े से कंपेरेटिवली बड़े आइलैंड्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड में भी आएगा क्लियरली, इनको कहा जाता है ग्रेटर एंटलीज, ओके, और ये छोटे 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 यहाँ पे आइलैंड्स हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, इनको कहा जाता है लेसर एंटलीज, ओके। सो ये सब भी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ आपको ये बेटर दिख जाएंगे। सो आउट ऑफ द ऑलराइट, सबसे छोटा कंट्री अभी मैंने बताया नहीं ना आपको, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका, क्वेश्चन छोड़ू बता ही देते हैं, है ना। द आंसर इज सेंट किट्स एंड लेवीस, सेंट किट्स एंड लेवीस। जब आगे अभी स्लाइड्स आएंगे तो आई शो यू द एग्जैक्ट पोजिशनिंग ऑफ दैट कंट्री। चलिए, सो अभी के लिए जस्ट लुक एट द प्लेसिंग, ये US था, ये मेक्सिको आ गया, मेक्सिको के बाद में यहाँ पे देर आर फ्यू कंट्रीज, ये अभी मैं पढ़ा, सिर्फ नेम रीड कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल दिखेगा, वहाँ पे हम टेक्निक किससे इसको लर्न करेंगे। सो बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल साल्वाडोर, एक बार नाम कानों में पड़ जाएं सो दैट यू बिकम यू नो अ लिटिल अकस्टम्ड टू द नेम्स, थोड़ा सा आपको नामों से पहचान हो जाए, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ऑलराइट। सो ये सारे कंट्रीज यहाँ आते हैं, और इस एरिया को मैंने अभी आपको बताया था, कई बार कॉमनली सेंट्रल अमेरिका भी कहा जाता है। ठीक है,
ये जो आपको दिख रहा है जब हम फिजिकल मैप पढ़ेंगे ना तब आएगा, दिस इज गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये जो आपको सी शेप दिख रहा है दिस इज गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको के पास में, और यहाँ पे आता है कैरेबियन सी, कौन सी सी, कैरेबियन सी। ऑलराइट, अब इस कैरेबियन सी में देखिए बहुत सारे आइलैंड्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि बहामास, क्यूबा, हेती, दिस इज नॉट डोमिनिका, दिस इज डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है, देन जमैका, और यहाँ पे ये जो लेसर एंटिटीज हैं अभी यू आर नॉट एबल टू सी देम ऑन दिस स्लाइड, इसके लिए हमें मूव होना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, ये अभी हम देखेंगे, इसके बाद ये वाली स्लाइड में हम सारे छोटे छोटे लेसर एंटिटीज के आइलैंड्स भी देखेंगे। सो अब सबसे पहले हम लर्न कर लेते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो कनेक्टिंग कंट्रीज हैं इनको। ऑलराइट, सो कौन कौन से कंट्रीज थे, अब देखो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, दिस इज द कैरेबियन सी, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ठीक है, क्लियरली दिख रहा होगा, सबकी बाउंड्रीज क्लियरली दिख रही होंगी। अब याद कैसे करें, क्योंकि ये सारे कंट्रीज सीक्वेंस में हमें थोड़े से दिमाग में बिठाने पड़ेंगे, जब तक कि प्रैक्टिस से आपको परफेक्टली याद नहीं हो जाते। सो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, जैसा कि हम यूज़ करते ही रहते हैं। सो स्टार्ट करेंगे, बिकॉज नंबर वन पे देखो, जब हम मेक्सिको से इधर आएंगे सबसे पहले कौन सा कंट्री आ रहा है, ग्वाटेमाला, फिर बेलीज, उसके बाद में होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा, सो दीज आर दी सेवन कंट्रीज। सो अब इसके लिए क्या स्टोरी है, देखो एक गोट, गोट समझते हैं बकरी, जल्दी से पिक्चराइज कर लेना, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, है ना, आपको मालूम है जैसे ही स्टोरी शुरू होती है हमें पिक्चराइजेशन स्टार्ट कर लेनी है। सो एक गोट है जिसने बेलीज पहनी हुई है, हील वाली बेलीज, बेलीज समझते हैं ना, राइट, सो गोट विथ बेलीज राइडिंग अ होंडा बाइक, ठीक है, क्या चला रही है वो, होंडा की बाइक चला रही है, पिक्चर बन गई, गोट बेलीज पहनी हुई होंडा की बाइक चला रही है, एंड एक डोर पे जाके रुकती है वो, किसी घर के दरवाजे पे जाके उसकी बाइक रुकती है, ओके, वहां से कौन, वो किसका घर था या बाहर कौन आया, एक बुआ जी आई, बुआ, बुआ समझते हैं हमारी जो बुआ होती है, पापा की बहन बुआ, सो यहाँ पे जो बुआ थी एकदम नाकारा बुआ थी, नाकारा समझते हैं जो कुछ नहीं करता, राइट, सो नाकारा बुआ थी, ये अपना सामान वामान घर का भी खुद नहीं लाती हैं, सो ये जो गोट है इनकी हेल्प कर रही है, वो डोर पे आके रुकी नाकारा बुआ के, और उन्होंने, उसने पूछा कॉस्ट क्या है राइस का, आपको राइस मंगाना है ना इसलिए आपने मुझे बुलाया ना, कॉस्ट क्या है राइस का, और ऐसा पूछ के प्रणाम करके और वो निकल गई राइस लाने। सो बेसिकली ये जो गोट है ये राइस लेने जा रही है किसके लिए, नाकारा बुआ के लिए। सो ये स्टोरी का क्रक्स ध्यान रखिएगा, आपको सारी स्टोरी याद रहेगी, गोट विथ बेलीज होंडा चलाती हुई डोर पे आके रुकती है नाकारा बुआ के, कॉस्ट पूछती है राइस के और प्रणाम करके चली जाती है। विद दिस हमें सारी कंट्रीज याद हो जाती हैं, गोट से ग्वाटेमाला, ओके, बेली से बेलीज, होंडा से होंडुरास, डोर पे आके रुकती है तो एल सल्वाडोर, नाकारा बुआ से निकारागुआ, कॉस्ट राइस की क्या है, कोस्टा रिका, प्रणाम से पनामा, ओके, सो दीज आर द सेवन कंट्रीज जो हमने अभी अभी याद कर ली। और उससे पहले हमने तीन कंट्रीज कौन सी देखी थी, सबसे बड़ी कैनेडा, फिर यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको, राइट, सो यहाँ तक की कहानी एकदम क्लियर है। चलिए अब देखो थोड़ी सी प्लेसिंग इफ यू वॉन्ट ना, तो ये देख सकते हो क्यूबा, जमैका, वैसे अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं, सो लेट अस मूव ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड, फाइन, सो ये था मेक्सिको और ये वो सारी कंट्रीज थी जो अभी हमने की, और ये आ जाता है साउथ अमेरिका, ठीक है, अब हमें फोकस करना है ये जो कैरेबियन, ये पूरा कैरेबियन सी है, हाँ, ये कैरेबियन सी में जितने भी आइलैंड्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी यू नो यहाँ पे एरियाज़ हैं जो कि डिपेंडेंट टेरिटरीज़ हैं जो किसी न किसी दूसरी कंट्री के अंदर में आते हैं, इसलिए उनको कंट्री का दर्जा नहीं मिला हुआ है। टोटल इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ कितनी हैं यूनाइटेड नॉर्थ अमेरिका में, 23, राइट, सो हम सिर्फ कंट्रीज़ की बात करेंगे, बहुत सारी बाकी जो आइलैंड्स मार्क कर रखे हैं वो सब किसी न किसी दूसरी टेरिटरी के अंडर आते हैं, दैट इज़ व्हाई दे आर नॉट टर्म्ड एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स और कंट्रीज, ओके, सो अब कौन कौन से स्टेट्स या कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका में, बहामास पहले पढ़ लेते हैं फिर याद करेंगे, बहामास, क्यूबा, जमैका, ओके, बहामास, क्यूबा, जमैका, ये है जमैका, ओके, दिस इज क्यूबा, ये जितने भी आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं दीज आर ऑल
बहामास, देन हेती, डोमिनिकन रिपब्लिक, नाम एक बार समझते जाते हैं। फिर ये यहाँ पे प्यूर्टो रिको बड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये एक आइलैंड, लेकिन दिस इज़ नॉट अ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक टेरिटरी है, इसलिए कंट्री के दर्जे में नहीं आता। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए सेंट किट्स एंड नेवीस मैंने आपको बताया था, सो दिस इज सेंट किट्स एंड नेवीस, सबसे छोटा कंट्री है नॉर्थ अमेरिका का, सिर्फ दो आइलैंड से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। सो दिस इज सेंट किट्स एंड नेवीस, उसके बाद में सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, ठीक है। तो तीन सेंट से नाम स्टार्ट हो रहे हैं, सेंट किट्स एंड नेवीस जो सबसे छोटा कंट्री है, देन सेंट लूसिया एंड सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, एंटीगुआ एंड बारब्यूडा, डोमिनिका, वो डोमिनिकन रिपब्लिक था, ये डोमिनिका है, बारबाडोस एंड ट्रिनिडेड एंड टोबेगो, ट्रिनिडेड एंड टोबेगो। सो ये है टोटल रिमेनिंग आइलैंड कंट्रीज नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, ठीक है। अब याद करनी पड़ेगी प्लेसिंग, देखो एग्जैक्ट बिल्कुल पिन पॉइंटेडली ऐसे कोई पूछता नहीं है, मैप कोई भी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि अगर आपने कहीं पढ़ा सेंट विंसेंट के बारे में फॉर एग्जांपल, सो आपको आइडिया होना चाहिए सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स यहाँ कहीं पड़ता है, ओके। अगर बात आप पढ़ रहे हो बहामास के बारे में, यू शुड नो कि ठीक है मेक्सिको के राइट यू नो नॉर्थ साइड में, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में बहामास पड़ेगा, मेक्सिको के क्यों, हम यूएस से देखें ना, यूएस के ईस्ट साइड में बहामास पड़ेगा। अगर हम पढ़ रहे हैं क्यूबा तो हमें पता होना चाहिए मेक्सिको के पास में क्यूबा पड़ता है। एकदम से नाम आ जाए हेती का, सो यू मस्ट नो हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक इधर बीच में कहीं पड़ रहे थे, राइट। सो दिस इज हाउ यू मस्ट नो द प्लेसिंग, फाइन। सो अब देख लेते हैं प्लेसिंग थोड़ी सी, बहामास, क्यूबा, जमैका, ये तीन आप याद रख सकते हो BCJ से। जैसे PCJ ज्वेलर्स है ना, नाम सुना है PCJ, PC ज्वेलर्स का, इसी तरह ये BCJ है। सो बहामास, US के पास बहाना है ना, US जाने का बहाना चाहिए लोगों को, ऐसा ट्रंप को लगता है शायद, ठीक है। सो US के पास बहाना से बहामास हो गया, BCJ, सी से क्यूबा हो गया, मेक्सिको के पास में है, और जे से जमैका हो गया, फाइन। सो ये तीन याद रहेंगे, 1, 2 एंड 3। और देखो ये क्यूबा ना वैसे तो बहुत बड़ा, एक तरह से क्रिसेंट शेप है, आधे चंद्राकार जैसा सॉर्ट ऑफ ना, लेकिन ये क्यूबा है, ओके लंबा इलोंगेटेड है, बट इट इज क्यूब, क्यूब जैसा नाम है इसका। सो क्यूबा, BCJ, फाइन। अब यहाँ पे एक हाथी डॉक्टर है, बिल्कुल कैरेबियन सी के बीच में बैठा हुआ हाथी डॉक्टर। सो हाथी से हेती और DR, डॉक्टर, डॉक्टर के लिए DR लिखते हैं ना, हाँ। सो डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है, हाथी, हेती, द कंट्रीज हेती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक, यहाँ तक हो गया लर्न। अब यहाँ देख लीजिए, तीन सेंट आ रहे हैं, सबसे पहला सेंट आएगा जो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री भी है, सेंट किट्स एंड नेवीस। सो ये अपने आप पिक्यूलर हो गया, तो याद रहेगा सेंट किट्स के बाद L, ओके LV, लव से आप ध्यान रख सकते हो, सेंट सबसे प्यार करते हैं, लव करते हैं, तो सेंट किट्स तो सबसे ऊपर आ गया। नाउ L से लूसिया और V से विंसेंट, तो पहले लूसिया आएगा फिर सेंट विंसेंट आएगा। सो प्लेसिंग इन सब की ना ये इस तरह से बने हुए हैं, राइट। जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं ना, बेसिकली ये इस तरह से एक बेल्ट में हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखो कि सबसे पहले आ जाता है सेंट किट्स एंड नेवीस, उसके बाद में आता है सेंट लूसिया एंड सेंट विंसेंट। सो किट्स याद रहेगा क्योंकि स्मॉलेस्ट है, एंड LV, लव से आप लूइस और सॉरी लूसिया और विंसेंट ध्यान रख सकते हो, ओके। नाउ कमिंग ओवर टू द रिमेनिंग वंस, एंटीगुआ, बारब्यूडा, डोमिनिका, बारबाडोस एंड ट्रिनिडेड टोबेगो, और लास्ट में ग्रेनेडा, ये रह गई कंट्रीज। तो देखो ABCD ए से स्टार्ट होती है, तो जब हम राइट साइड में जा रहे हैं या तो आप ए से एंटीगुआ बारबुडा याद रख लो, AB, राइट, या आंटी से याद रख लो कि यहाँ इस तरफ सारे संत यानी सेंट हैं, इस तरफ आपके कुछ परिवार के लोग मिलेंगे, सबसे पहले एक आंटी हैं, सो एंटीगुआ बारबुडा हो गया। डोमिनिका, डोमिनिका को आप यहाँ से बिल्कुल ध्यान रख सकते हो, डायगनल प्लेसिंग देख सकते हो, यहाँ पे डोमिनिकन रिपब्लिक है, बिल्कुल उसके डायगनल डोमिनिका आ जाएगा, ठीक है। या आंटी डोमिनोज में खाना पसंद करती हैं, सो ऐसे भी आप डोमिनिका याद रख सकते हो। देन बारबाडोस, आंटी के पास बारबी डॉल है, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक और इसका ट्रिक ले सकते हो, ADBT, ओके। एंटीगुआ बारब्यूडा, डोमिनिका, बी से बारबाडोस एंड टी से ट्रिनिडाड एंड टोबेगो,
वरना जो हमारी स्टोरी चल रही थी, आंटी हैं डोमिनोज में खाना पसंद करती हैं, डोमिनिका, उनके घर में बहुत सुंदर सी बार्बी डॉल है तो बार्बाडोस, और आंटी किसकी, मतलब जैसे बुआ आई थी ना, नकारा बुआ, ये उन्हीं की कोई रिलेटिव है, तो ये आंटी किससे रिलेटेड है, हमारे डैड से रिलेटेड है, सो ट्रिनिडैड एंड टोबेगो, ओके। और यहाँ बीच में ग्रेनेडा, ग्रेनेड समझते हैं, ग्रेनेड बॉम्ब जो होता है, सो उससे आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ एक बॉम्ब रखा हुआ है, या जनरली भी कर सकते हैं ना, हर चीज़ के लिए ट्रिक टेक्निक नहीं दे सकती हूँ मैं, दे सकती हूँ बट इट विल बी लाइक वे टू वियर्ड। सो ABDT या फिर आंटी, डोमिनोज, बार्बी डॉल एंड डैड, और बीच में ग्रेनेड या ग्रेनेडा है, सेंट और फैमिली के बीच में ग्रेनेड है ना, कि मिक्सिंग नहीं हो सकती है, ग्रेनेड से दोनों दूर रहेंगे, संत लोग अपनी दुनिया में और फैमिली अपनी दुनिया में। सो बेसिकली बहुत सिली एंड नॉनसेंस तरीके से हम याद करते हैं, आई नो, बट देन आई समहाउ फील दैट दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग, अगर आप पहली बार मैप को अपने दिमाग में सेट करना चाह रहे हो। ओवर द टाइम विथ प्रैक्टिस ऑफ कोर्स आपको इन किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू विल बी एबल टू डू मच मच यू नो विदाउट दीज टेक्निक्स। सो 23 कंट्रीज, लार्जेस्ट कैनेडा, उसके बाद में टेस्ट नहीं डाला इस बार मैंने, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट टू इनकॉर्पोरेट द टेस्ट, एनीवेज नो प्रॉब्लम। सो आई रियली होप सारी कंट्रीज, 23 कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट याद हो गई होंगी, ब्लैंक मैप लेकर के जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज करेंगे, ओके, लर्न, एंड जल्दी ही मिलते हैं, ओके, अंटिल टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।